सरकार ने बताइए डॉक्टर साहब, सरकार ने कोई कार्य योजना कोर्ट में केस चल रहा है, अच्छे परिणाम शीघ्र ही आने वाले हैं। देखिए विधानसभा में मैंने उन्हें फैक्ट्री कोर्ट में केस चल रहा और उसमें रिसीवर बैठा दिया गया है, हमारी तरफ से वो अस्पताल जनता के पैसे से बना है ना, और दो दो अधिकारी लगा दिए गए पैसे से बना है, अगर वो एक्टिवेट होता तो लोगों के काम आता, लेकिन वो कितने साल से धूल फांक रहा है। देखिए साहब, डॉक्टरों की आप बात कर रहे हैं, इस उत्तर प्रदेश में आजादी के 70 साल में केवल 14 राजकीय मेडिकल कॉलेज चला पाई पुरानी सरकारें, हमारी सरकार बनने के बाद आज 45 राजकीय मेडिकल कॉलेज हमारे संचालित हैं इस उत्तर प्रदेश में, और प्रत्येक जनपद को हम राजकीय मेडिकल कॉलेज देने जा रहे हैं पूरे प्रत्येक उसको। ये प्रदेश की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ भैया बरेली की बात कर लो, बजट ले आओ, बरेली में कम से कम मेडिकल कॉलेज है, कम से कम विकास करा दो बरेली की, जो शिक्षा बात करें आपने सही कहा, सामने बैठी जनता गवाह है, बरेली पिछले मेडिकल कॉलेज है, बरेली बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम ज्यादातर लोगों से पूछे बरेली का ओडीओपी क्या है तो लोग झुमका समझते हैं, बेस बात नहीं समझते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, बरेली के लिए मशहूर है, मशहूर है तो क्या काम हुआ है, कितना काम हुआ है उसको प्रचारित प्रसारित करने की, हर घर में यहाँ से हमें आपको नहीं दिखता है हर घर में कारचोबी का, कढ़ाई का, और ये लेकिन का वो काम एक प्रदूषित पानी की वजह से, कागज फैक्ट्री की वजह से वो भी खराब चल रहा है साहब, ये भी पता चला है हमें, सही है क्या बताइए? जरी का काम बिल्कुल बंद हो चुका है, जो लोग जरी का काम करते थे आज बेचारे रोड पे हैं, काम ढूंढते घूम रहे हैं कि कुछ मिल जाए, और ये मैं तो करता नहीं ये काम, लेकिन ये सब जानते हैं, ये लोग तो सपने दिखाते हैं, अब ऐसा के समय पे अरे जिन लोगों को जो काम मिलता था आज बिजली वो काम लूट डकैती भ्रष्टाचार वो बंद हो चुके हैं, वो बंद हो चुके हैं, वो बंद हो चुके हैं, तो आप डिफरेंस क्रिएट कीजिए, आप ओडीओपी के सारे आंकड़े उठा करके देख लीजिए, पहले के मुकाबले यूपी का एक्सपोर्ट लगभग डबल हुआ है, 155 करोड़ का एक्सपोर्ट है, जो पहले 88 करोड़ के लगभग हुआ करता, 88,000 करोड़ हुआ करता, अभी ब्रिटेन को पीछे छोड़ा है भारत ने इकोनॉमी में, जी ब्रिटेन को पीछे छोड़ा है, इंग्लैंड को पीछे छोड़ा है इकोनॉमी में, इनसे कहना इकोनॉमी की बातें छोड़ रहे हैं, ये दूध और दही का और खाने की चीजों पे ये जीएसटी हटवा दें, और तो और मैडम मैडम एक एयरपोर्ट भी तो देने का काम किया, हम विधायक लोग हैं सबको विधायक निधि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 करोड़ कर दी, सब लोग जानते हैं, ठीक है, जनता कह रही 5 करोड़, और ये मालूम ही नहीं है कि इसमें 18% जीएसटी लग के 70 लाख रुपए फिर से सरकार को वापस चला जाएगा, अरे 18% अगर जीएसटी घटा भी दो तो आपके समय में तो 1 करोड़ थी, विधायक निधि बढ़ गई है केवल, तो और ज्यादा हो गई, अच्छा तो विधायक निधि ठीक ठाक खर्च हो रही है सबकी, वो तो लग रही है, लेकिन जनता तो कह रही तुम 5 करोड़ मिल गए विकास कराओ, ये पता ही नहीं है कि चोर दरवाजे से 18% जीएसटी जा रही है, जीएसटी नहीं लगे, चोर दरवाजे से नहीं जा रही, यदि चोर दरवाजे से नहीं है, हमें बताना चोर दरवाजे से नहीं जा रही, ये गलत शब्द है, जीएसटी पहले भी जा रही है, जीएसटी हमेशा जाती है, जनता के हितों पर भी टैक्स लगेगा तो इससे ज्यादा खराब बात और क्या हो सकती है, ये तो सिंगल पॉलिसी है, किसी के लिए भी टैक्स लगेगा, जीएसटी पहले भी जाती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।